वो अब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वहां से जो होके हम लोग पूरा ये एरिया को पहाड़ से घूम घूम के ये एरिया से करके अभी फाइनली हम लोग यहाँ पे अभी पहुंच गया। एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। फिर से आपको एक और नए वीडियो पे मैं स्वागत करता हूँ। सो आज आप थोड़ा बैकग्राउंड अलग देख रहा होगा बिकॉज मैं पासीघाट में नहीं नमसा में हूँ। तो गाइस, आप थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम लोग कल कहाँ जाने वाला है। और मेरा साथ कल जाने वाला है वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। हियर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। कल के लिए एक्साइटेड हो? यस यस ब्रो। हंसके हंसके कौन यस ब्रो बोलते हैं। एक्साइटेड है कल के लिए जाने के लिए? रेडी हो? क्या करेगा वहां में जाके? दारू उरू तो पिएगा तो नहीं? सो गाइस, गुड नाइट। हम लोग सोएगा, कल मिलते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग गाइस। सो सवेरे हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट 7 बजने जा रहा है। रेडी उडी करने का चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। हमारा जो सेटअप आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा जो जर्नी बैग्स, स्मॉल चाकू आप बोल सकता है, छोटा सा दाऊ, देन बॉटल्स, अंदर में बहुत सारा है जैसे कपड़ा कंबल हो गया, देन चावल वावल्स पूरा लेकर जा रहा, हेलमेट होगा, देन मेरा लैपटॉप बैग है यहाँ पे। तो इस तरीके से है। तो अभी टेंट लेने गया मेरा दोस्त, तो टेंट लेने से हम लोग सीधा निकल जाएगा बिकॉज आज का जो जर्नी है ना, पूरे के पूरे 7 घंटे का जर्नी है। तो 7 घंटे का जर्नी में और ब्लॉगिंग करते करते और थोड़ा लेट हो जाएगा होगा, इसीलिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। सो अब फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कितना खतरनाक से लेकर जा रहा है सामान, और हमारा यहाँ पे टेंट आ चुका है। सो स्टे ट्यून विद मी। आपको जितना रास्ता मैं दिखा पाऊँगा, मैं दिखाने के लिए कोशिश करता रहूँगा। मेसमराइजिंग व्यूज़, जो नॉस्टैल्जिक व्यूज़, अरुणाचल का जो ब्यूटी, आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। सो गाइस, कुछ घंटों सफर के बाद हम लोग दिगारू पहुँचे। दिगारू का बाद तेजू, तेजू का बाद फिर हायोलियांग, हायोलियांग का बाद वालोंग, वालोंग के बाद किबी, तो हम लोग डायरेक्ट निकलेगा। तो इस सफ़र में कितना दिन लगेगा हम लोगों को भी पता नहीं, लेकिन जितना दिन भी बैठे किबी तो तक हम लोग जगे ही रहेगा। सो फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा कुछ यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेगा। कुछ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम लोग नहीं किया, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके हम लोग फिर जर्नी की ओर निकल जाएगा। सो इन दिस मॉर्निंग वी हैव लाइट ब्रेकफास्ट। हम मैंने लिया यहाँ पे सूखा रोटी, और माई फ्रेंड्स इन्होंने लिया पूरी। सो हम लोग अभी इंजॉय करेगा। सो गाइस, आपको मैं एक एक्सपीरियंस बताऊं। जैसे शुरू शुरू में तो जर्नी बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसे आप पहाड़ों में पहुंचने लगेगा ना, कि आपको एक अलग ही एक सुकून वाला और एक प्योर एटमॉस्फेयर, वायु प्रदूषण यानी कि एक प्योर हवा का साथ आपको एक अलग ही फीलिंग मिलेगा। मेरा दोस्त आज का पायलट कैसा लग रहा है आपको पहाड़ों में आके? तो बढ़िया बढ़िया लग रहा है। ओके, तो रास्ता कैसा है? रास्ता भी एकदम बढ़िया है। एकदम बढ़िया है। ओके, सो आप देख सकता है रास्ता इस तरीके से आपको दोनों जगहों पर थोड़ा कठिन वाला एरिया मिलेगा। वो पहाड़ आप देख रहे हैं, वो उधर से हम लोग को जाना पड़ेगा, पूरा कंटिन्यू आपको पहाड़ से उठना पड़ेगा। माई डियर फ्रेंड, आई वुड सजेस्ट यू डेट, अगर आप अपना कामों से डिप्रेशन होके घर में बैठा है, तो इस तरीके से पहाड़ों में कभी घूमने आइए, आपको बहुत मजा आएगा। तो गाइज, अभी मैं टीवी रोड में पहुंच गया। यहाँ से रास्ता डिवाइड हो जाता है, इस साइड तेजू की ओर चला जाता है, देन उस साइड परशुराम कुंड की ओर वो चला जाता है, और ऊपर साइड फिर वो वालोंग, हाईलियांग होके फिर वालोंग निकल जाएगा। तो अभी हम लोग वो रास्ता को पकड़ने वाला है। तो हम लोग जाते समय ये जो परशुराम कुंड को देखते हुए ये रास्ता से फिर हम लोग निकल जाएगा।
यहाँ से कितनी खतरनाक व्यूज है आप देख सकते हैं। हालांकि अभी फॉग का वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका जो व्यूज है ना एक अलग ही लेवल का है। सो वी आर गेटिंग लेट, हम लोग को जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो हायुलियांग 75 किलोमीटर है स्टिल, तो वो 75 किलोमीटर्स को हम लोग जल्दी से कवर अप करना पड़ेगा। वहाँ पे पहुँच के हम लोग लंच करेगा, वहाँ से फिर 100 किलोमीटर्स ऐसे फिर वालोंग है, तो हमें जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। और भाई साहब यहाँ से आप खतरनाक व्यूज देखिए। ओ भाई साहब, ओ आप दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, वहाँ से जो होके हम लोग पूरा ये एरिया को पहाड़ से घूम घूम के ये एरिया से करके अभी फाइनली हम लोग यहाँ पे अभी पहुँच गया। सो स्टिल अभी तक हायुलियांग 74 किलोमीटर है यहाँ से, तो यहाँ पे तो एक सिनेमेटिक शॉट बनता है और फोटो शॉट तो बनता है यार। तो गाइस अभी हम लोग सिका ब्रिज बोल के एक हैंगिंग ब्रिज है, आप नीचे देख सकता है वो, अभी हम लोग उसको देख के आएगा। और फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले असम से है, यहाँ पे इन लोग नया कंस्ट्रक्शन बना रहा है। काम करते करते एकदम एंजॉय करो। हाँ थैंक यू लीजिए, थैंक यू। काम करते करते एकदम बढ़िया से चबा के खाना। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। और आप मेरा आवाज़ सुन सकता है, थोड़ा गला बैठ गया क्योंकि कल दिन से हम सफ़र कर रहे हैं, इसलिए पूरा सर्दी हो गया मुझे। वही है, बुखार नहीं है, चढ़ना चाहिए, वही हम प्रे कर रहे हैं गॉड से। एंड फाइनली गाइस मैं सिका हैंगिंग ब्रिज पर हूँ। पता नहीं, वो एक भाई बता रहा था कि ये सिका हैंगिंग ब्रिज है, हम जस्ट रेंडमली जानता है जिसे बोल रहा है, लेकिन अगर आपको पता है ये ब्रिज का नाम मुझे बताइए। मुझे इतना तक पता है कि दिस इज सिका ब्रिज। आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक और खूंखार लग रहा है। ओ भाई साहब, हैंगिंग ब्रिज का यही डिसएडवांटेज है कि हैंगिंग ब्रिज में इस तरीके से थोड़ा हिल जाता है, तो इसको इसके लिए क्या होता है, जो पहली बार आता है उन लोग बहुत चक्कर आता है और इस लोग डर जाता है। सो अभी एक अंकल आ रहा है, तो अंकल से थोड़ा कन्वर्सेशन करने के लिए कोशिश करता है कि ये कौन सा ब्रिज है। अंकल ये कौन सा ब्रिज है ना, आप बताइए ना ब्रिज का नाम। ये विजयनगर ब्रिज। विजयनगर ब्रिज। हाँ। और ये कौन सा बस्ती है यहाँ पे, कौन सा बस्ती रहता है यहाँ में? ये हम लोग रहता है। और आप लोग रहता है? हाँ, क्या बस्ती का नाम क्या है? विजयनगर। कहाँ से आ रहा था? हम लोग पासीघाट से आया है। पासीघाट से जी। आप लोग क्या ट्राइब से बिलोंग कर? ट्राइब दिगारू मिसमी। और दिगारू मिसमी ना, दिगारू मिसमी रहता है। और ये कौन सा नदी है? ये लोहित। लोहित रिवर ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ जी चले। तो अभी अंकल से मैंने कन्वर्सेशन करने की कोशिश किया, अभी अंकल ने आप लोगों को जैसे ब्रिज को बताया, ब्रिज और ये जो नदी है दिस इज़ लोहित रिवर। सो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें वालोंग भी जल्दी पहुंचना है, अभी हम लोग को और बहुत लॉन्ग सफ़र करना है। लेकिन यहाँ का जो हवा है ना, बहुत बैठने का मन कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या करेगा, हमें आगे भी निकलना पड़ेगा। कच्चा रोड शुरू होता है, पहले तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन अभी रास्ता तो क्या बोलेगा भाई, बहुत खतरनाक, बहुत कठिन हो गया। आप नीचे देख सकता है लोहित रिवर, और वो कौन सा पहाड़ है पता नहीं, लेकिन खतरनाक वाली पहाड़ है गाइस, बहुत बहुत ऊंचाई वाला। अरे भाई साहब, आप ये जो पत्थर लोग को देख सकते हैं कितनी खतरनाक और खूंखार लग रहा है। और गाइस अभी हम लोग हायुलियांग पहुंचने से पहले एक वहाँ पे एक झरना दिखाई दे रहा है, इतनी सुंदर झरना है। सो
कौन सा झरना है पता नहीं इसका नाम, तो अगर जाते समय समय मिलता है तो उधर विजिट करके मैं जाने के लिए कोशिश करता। और गाइस घंटों सफर के बाद हम लोग अभी पहुंचे हैं हायुलियांग, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे है हायुलियांग और ये है लोहित रिवर। फिर हमें वही कंटिन्यू सफ़र की ओर निकलना पड़ेगा विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमें कंटिन्यू जाना पड़ेगा। अब फाइनली अभी हम लोग पहुँचे हैं हायुलियांग और अभी हम लोग लंच करेगा बिकॉज बहुत ही थक गया इतना लॉन्ग सफ़र जर्नी के बाद। हेलो, अब यहाँ का नहीं गया, कहाँ से आप? यहाँ का है ना, हायुलियांग है तो नहीं है? मालिक कहाँ है मालिक? ओ आप लोग है क्या? अच्छा चलिए, मालिक ही खाना खा रहे। क्या 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 मिलेगा? खाना ही मिलेगा ना। एंड टुडे वी हैव चिकन होगा एंड यहाँ पे राइस, अभी बढ़िया से इंजॉय करेगा। दिस इज लगन होटल में हम लोगों ने खाना खाया। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि हमें और अभी 100 किलोमीटर सफ़र करना है, इसीलिए हमें निकलना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू राइड द जर्नी, अभी मेरा दोस्त पीछे बैठेगा। एंड मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया हायुलियांग में, नाम क्या बोला था? ओकेन। ओकेन, यस ओकेन ब्रो, हैंडसम हो गया यार और बस कर यार, बहुत हैंडसम हो गया, ठीक है ना। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? बस्ती जा रहा हम भी। सो गाइस, हम लोग इतना लॉन्ग जर्नी सफ़र के बाद एक जगह पे पहुंचा, पता नहीं ये जगह को क्या बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सुंदर व्यूज़ है, इसीलिए आपको थोड़ा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सुंदर व्यूज़, लुक एट द व्यू गाइस, आप वो पहाड़ को देखिए कितनी खतरनाक लग रहा है। ओ भाई साहब, ऊंचाई भी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ पूरा। आप देखिए शिप भी देख सकता है ये वालोंग एरिया पे आके। आप लोग कौन सा बस्ती का है? ग्वारती बस्ती। ग्वारती वाल्टी ना, वाल्टी ना, वाल्टी विलेज का है ये भैया लोग। सो इन लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा, ये शिप बहुत क्यूट लग रहा है। ओ भाई साहब आप देखिए कितनी क्यूट लग रहा है। गाइस फाइनली अभी हम लोग वालोंग पार कर लिया। वालोंग में हम लोग आज नहीं ठहरेगा, सोचा था कि वालोंग में ठहरेगा। हॉट स्प्रिंग बोल के एक जगह है यहाँ पे, तो इधर हम लोग आज रहेगा। होटल लेगा तो होटल का पर मेंबर 2500 ऐसा करके है पर रूम। और गाइस अभी टाइम 5:20 हो चुका है, सो अभी हम लोग हॉट स्प्रिंग वाला जो रिजॉर्ट भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है अभी। आप सो अंधेरा है, सो अभी हम लोग यहाँ पे मालिक को बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करके एंट्री पी करेगा पार टेंट में, कैसे करके करेगा। सो फिलहाल तो मुझे तो कोई नहीं देख रहा, मालिक भी कहाँ चला गया। सो इधर लोग भी काफ़ी आया है। और गाइस फाइनली हम लोग का जितना सेटअप करना था कर लिया, अभी खाना वाना भी हम लोग खुद बनाएगा। देन यहाँ पे गर्म पानी या फिर चाय पीना है तो हम लोग कर लेगा, और वाटर्स भी यहाँ पे रेडी है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे फायर वुड हम लोगों ने कलेक्ट किया। और गाइस मैं आप सभी को वही सजेस्ट करेगा कि आप लोग अगर रात को कुछ से कैंपिंग करेगा सोचते हैं तो आप लोग जैसे भी जल्दी पहुँचने के लिए करिए, लेट मत करिए। आज हम लोग जैसे गलती किया कि हम लोग रात को पूरा फायर वुड भी ढूंढने जाना पड़ा, तो हमें बहुत तकलीफ़ मिला। और अभी हम लोग जहाँ पर ठहरा हुआ ये हॉट स्प्रिंग है, तो कल सुबह आपको मैं हॉट स्प्रिंग भी दिखाऊँगा।
कल का जो नेक्स्ट ब्लॉक में सब्जी बनाने दिया, खाना वाना बना के खा लेगा, देन आफ्टर डेट हम लोग सो जाएगा। और कल हम लोग दोंगबेली, आप लोग जैसे कि हमेशा सुनते हैं कि अरुणाचल इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो एग्जैक्टली कहाँ पे फर्स्ट सनराइज होता है आपको कल सुबह में नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय एवरीवन।